बताओ भैया क्या बनाया आपने? ये पूछ रहे हैं क्या बनाया आपने? अभी हमने पिछले 3-4 साल पहले सब्जी बनाई थी, सब्जी होगी देनी है, थाने जाना है। ये कह रहे हैं सब्जी देनी है या थाने जाना है, मतलब थाने का भी खाना यही बनाते हैं। आज यहाँ पर फ्राइडे की मॉर्निंग के बाद आफ्टरनून है, तो ऐसा कर वो टूटा वो दे दे खुलने करा दूँगा। जहाँ पर कस्टमर आ रहे हैं क्योंकि ज़रूरत से बंधे हुए हैं। अब कुछ काम ऐसा भी होता है जो ज़रूरत का नहीं होता, और वहाँ पर हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमको कुछ ऐसा ख़रीदना है या नहीं जो ज़रूरत में नहीं है और अच्छा लग रहा है देखने में। जैसे कि गाय है या बछड़ा, अब कोई इसको पसंद करके सोचेगा कि मेरे को ये चाहिए तो शायद पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हमने इसके सिंबॉलिक रूप में एक दुकान पर बछड़ा और उसकी गाय जो उसकी माता है दूध पीते हुए दिखाया। आपको भी दिखाने वाले भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव जी बैठे हैं सामने। अब इनको पता करना है कि जो स्थिति आज से बहुत टाइम पहले इसी दुनिया में हुई थी वो आज कैसे अपना रूप धारण किए हुए हैं, और इनको सही रास्ता बताने के लिए हमारे भी 2 फौज के नौजवान आ चुके हैं, जिनका एक नौजवान पहले से ही कतार में है PWO में। यही है वो जगह जो टी है, AW है, और वहाँ स्पेस है, और फिर वो ओ है। अब ओ के बाद डॉक्टर MC गुप्ता जी हैं जो चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने ही अंकुश को ऐसे रहने के लिए कहा था। फिर यहाँ पे मन्नू बुक शॉप है 10 नंबर और 5 नंबर, ऐसे ही करके यहाँ पे धीरे धीरे बरकत में बरकत होती रहती है। अब आगे की कहानी हम आपको बताएंगे सपने में, बाकी सुनते रहिए।